बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन, कन्वेक्शन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का हीमोडायलिसिस में एप्लीकेशन और ऑस्मोसिस का पेरिटोनियल डायलिसिस में एप्लीकेशन, इसके बारे में वीडियो बाद में आएगी। आज के टॉपिक में सिर्फ बेसिक बातें होंगी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन, टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन एंड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जब भी मॉलिक्यूल का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। तो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनने की वजह से मॉलिक्यूल मूव करना शुरू करते हैं। जिस तरफ मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उधर से वो मूव करना शुरू कर देते हैं, और जिस तरफ उनका कंसंट्रेशन कम होता है उस तरफ वो चले जाते हैं। मॉलिक्यूल का ये मूवमेंट तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों तरफ मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। अब आता है टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। अगर मॉलिक्यूल एक तरफ से दूसरी तरफ बिना किसी हेल्प के चले जाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है या कैगे प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। और अगर मॉलिक्यूल को एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करने के लिए किसी प्रोटीन की जरूरत होती है तो उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। डायग्राम में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड जो हमारा है वो है सिंपल डिफ्यूजन और राइट साइड है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में सिंपल मॉलिक्यूल एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर जा रहे हैं, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल को मूव कराने के लिए एक प्रोटीन इन्वॉल्व है। जो ये येलो कलर की बड़ी सी प्रोटीन दिख रही है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। वो अगर डायलिसिस में हम डिफ्यूजन की डिफिनेशन दें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल्यूल्स अक्रॉस द सेमी पेरिमियल मेम्ब्रेन थ्रू ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब भी हम डायलिसिस में डिफ्यूजन की बात करेंगे तो इसमें सेमी पेरिमियल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली पेरिमियल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। डायलिसिस में सोल्यूट्स हमारे क्या क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, यूरिया है, ग्लूकोज है। डायलिसिस में डिफ्यूजन हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है, यानी अगर डिफ्यूजन ब्लड साइड से डायलिसेट साइड की तरफ हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन, और अगर डिफ्यूजन डायलिसेट से ब्लड की तरफ हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे बैक डिफ्यूजन। अब देखते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को डिटरमाइन करते हैं, यानी डिफ्यूजन के रेट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। सबसे पहले आता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा। उसका रीजन ये है कि टेम्परेचर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो इनका मूवमेंट बढ़ जाता है। दूसरा है हमारा लार्जर सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल को डिफ्यूज होने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, जिसकी वजह से डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे भी देख सकते हैं, जब हम कपड़ा सुखाते हैं तो उसमें अगर हम ऐसे ही सुखाना शुरू कर देते हैं तो लेट कपड़ा सूखता है, लेकिन जब उसको फैला देते हैं तो फिर जल्दी सूख जाता है। उसका रीजन क्या, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उसी तरीके से अगर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा है तो डिफ्यूजन भी फास्ट होगा।
और अगर मेम्ब्रेन ज्यादा पोरस है यानी उसके अंदर पोर भी ज्यादा है और वो पतली भी है तब भी डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा। अब आता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कितना ज्यादा डिफरेंस है मॉलिक्यूल का एक तरफ से दूसरी तरफ के बीच में, कंसंट्रेशन डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही तेजी से डिफ्यूजन भी होगा। उसका रीजन ये है कि जब मॉलिक्यूल एक तरफ ज्यादा होंगे दूसरी तरफ कम होंगे तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे, जिस तरफ वो हाई होंगे उधर से मूव करना शुरू कर देंगे जिस तरफ लो है। डायग्राम में देख सकते हैं एक तरफ मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हाई है दूसरी तरफ लो है, तो जिधर हाई है उधर तेजी से मूव करना शुरू करेंगे जिस तरफ लो है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहे इसके लिए हम डायलेटर में काउंटर करंट मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तरफ से ब्लड मूव करता है तो दूसरी डायरेक्शन से डायलेटर मूव करता है, इस मैग्नेटिज्म को बोलते हैं काउंटर करंट मैग्नेटिज्म। इससे ये होता है ना कि हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहता है। डायग्राम में देख सकते हैं कि डायलाइजर में एक तरफ से हमारा ऊपर से ब्लड आ रहा है नीचे से हमारा डायलेटर जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि डिफ्यूजन स्लो कब होता है। अगर मॉलिक्यूल की साइज बड़ी है तब भी डिफ्यूजन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। अगर मेम्ब्रेन थिक है मोटी मेम्ब्रेन है तो उस टाइम भी हमारा डिफ्यूजन स्लो होगा। अगर टेम्परेचर लो है तब भी डिफ्यूजन हमारा लो होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर लो है तब भी डिफ्यूजन स्लो होगा। इसका रीजन आप कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसा